Hello, good morning students. Welcome to English class once again. You have seen my previous video. In that video, I explained you the chapter Alice in Wonderland. And in this video, we will cover up exercises of the chapter. So let's start with new words. New words means नए शब्द जो आपने इस चैप्टर में सीखे हैं. So first is scamper. Scamper means run quickly. तेज भागना, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर जल्दी जल्दी भागना, वहां पर हम स्कैम्पर वर्ड यूज करेंगे. हरीड, हरीड मीन्स रश, जल्दी से. पॉप्ड, पॉप्ड गो सडनली, अचानक थोड़ी देर के लिए कहीं चले जाना. पॉप्ड. दिस अपीयर्ड, आउट ऑफ साइट, गायब हो जाना. विस्कर्स, विस्कर्स कहते हैं जो एनिमल्स के फेस पर बाल होते हैं उनको हम विस्कर्स कहते हैं. सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू राइट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. सो फॉर दिस आई एम रबिंग दिस स्टूडेंट्स टू डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. क्वेश्चंस आर गिवन इन योर बुक. आई एम राइटिंग ओनली आंसर्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज While listening to the story, what did Alice see? कहानी को सुनते हुए एलिस ने क्या देखा? So answer is Alice saw a white rabbit. This is question answers. Answer one I am writing. Answer one. Alice saw a white rabbit. Alice saw a white rabbit. You can also write while listening to the story, Alice saw a white rabbit, and this is also correct. Alice saw a white rabbit. Now answer 2. What was different about the rabbit that Alice saw? एलिस ने जो रैबिट देखा था, खरगोश देखा था, उसमें क्या अलग था? सो व्हाट वाज डिफरेंट? द रैबिट हैड, उसकी कैसी आंखें थी? पिंक आईज. द रैबिट हैड पिंक आईज, गुलाबी आंखें थी उसकी. द रैबिट हैड पिंक आईज एंड क्या पहना था उसने? वोर अ रेड कोट, और उसने लाल रंग का कोट पहना हुआ था. इट कुड, और उसमें क्या अलग था? इट कुड टॉक, वो रैबिट बात कर सकता था. इट कुड टॉक, वो रैबिट बात कर सकता था. एंड कैरीड अ वॉच, और उसने घड़ी भी कैरी की हुई थी. एंड कैरीड अ वॉच, उसने घड़ी भी वो कैरी करके रखता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द रैबिट गो. रैबिट कहाँ गया था? रैबिट जब भागने लगा और एलिस उसका पीछा करने लगी, तो रैबिट कहाँ गया? द रैबिट वेंट इन टू द रैबिट होल. कहाँ गया था रैबिट? अपने होल में. द रैबिट वेंट, the rabbit went into the rabbit hole. अपने होल में चला गया वो. Rabbit hole. Next is how did Alice reach Wonderland? Alice Wonderland कैसे पहुंची? So answer 4 is Alice reached Wonderland by following the rabbit. So you can start from Alice followed the rabbit. Alice ने rabbit को follow किया means उसका पीछा किया. Alice followed the rabbit. Alice ने rabbit का पीछा किया and jumped into a कहां जंप कर दिया? होल में. एंड जंप इनटू अ
and jumped into a rabbit hole. And jumped into a rabbit hole. And reached a और कहाँ पहुंच गई वो वंडरलैंड एंड रीच द वंडरलैंड. सो स्टूडेंट्स एलिस फॉलोड द रैबिट. सबसे पहले एलिस ने रैबिट का पीछा किया एंड रैबिट जहां पर गया वहीं पर एलिस भी कूद गई. एलिस जंप इनटू द रैबिट होल एंड रीच द वंडरलैंड. नाउ नेक्स्ट आंसर For writing this, I am writing answer 1 and 2. So answer 1 and 2, I am rubbing to write down the next answer. So next answer is question number 5. Question number 5 is what strange things Alice see? Alice ne kya adbhut cheez dekhi? So Alice ne kya dekha? Alice saw a This is answer number 5. Answer 5. Alice saw a क्या देखा उसने? A small door. एक छोटा सा दरवाजा. Alice saw a small door. और वो कितना बड़ा था? 15 inches. About 15 inches high. About 15 inches high. एक छोटा सा दरवाजा देखा उसने जो केवल 15 इंच ऊंचा था. और उसने क्या देखा? She saw a glass table. एक उसने ग्लास का टेबल देखा. She saw a glass table with a golden key on it. With a गोल्डन की ऑन इट. ग्लास का टेबल जिस पर गोल्डन चाबी रखी थी. गोल्डन की ऑन इट. एलिस सॉ अ स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई. 15 इंच की ऊंचाई का छोटा सा दरवाजा देखा और उसने एक ग्लास टेबल देखा जिसके ऊपर एक गोल्डन की रखी थी. सो नेक्स्ट इज आंसर 6. डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स. Describe in your own words the garden that Alice saw. वो garden जो Alice ने देखा था उसे आपको अपने शब्दों में describe करना है. So for writing this, I am grabbing answer 3 children. Third answer को मैं मिटा रही हूँ. So describe in your own words the garden that Alice saw. क्या देखा? Alice saw a beautiful garden. This is answer 6. Alice saw a beautiful garden. Alice saw a beautiful garden. एक सुंदर सा गार्डन देखा. Which has और जिसमें क्या थे? Which has bright flowers means चमकीले फूल थे. चमकीले फूल थे और ठंडे फव्वारे थे. विच हैज ब्राइट फ्लावर्स एंड कूल फाउंटेन्स एंड कूल फाउंटेन्स. जिसमें चमकीले फूल थे और ठंडे फव्वारे लगे हुए थे. ऐसा अद्भुत गार्डन एलिस ने देखा था. नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉ द गार्डन ऑफ योर ड्रीम्स. आपको जो पिक्चर दी है वहां पे अपने सपनों का गार्डन बनाना है. आप कैसा गार्डन देखना चाहते हैं? नाउ नेक्स्ट इज 8 क्वेश्चन. सो आई एम रबिंग दिस चिल्ड्रन. आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं. सो नेक्स्ट आई एम रबिंग इट टू डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. अगली एक्सरसाइज को करने के लिए मैं यहाँ पर इसे मिटा रही हूँ. स्टूडेंट्स यू कैन पॉज. आप वीडियो को रोक सकते हैं और अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं. सो नेक्स्ट इज नेक्स्ट एक्सरसाइज. टिक द करेक्ट आंसर. दिस इज 8 नंबर. नॉट क्वेश्चन आंसर्स. दिस इज एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. 8th वन इट इज. टिक द करेक्ट आंसर. जो सही उत्तर है उस पे आपको टिक लगाना है.
The rabbit had, rabbit के पास क्या थी? White eyes, big eyes और pink eyes. तो आप किस पे क्लिक करेंगे? Rabbit के पास क्या थी? The rabbit की आंखें कैसी थी? The rabbit had, you will click on pink eyes. उसकी आंखें गुलाबी थी. The rabbit had pink eyes. Who was burning with curiosity? उत्सुकता से कौन जल रहा था? किसके ऊपर वह उत्सुक हो रहा था? So next is, who was burning with, who was burning with curiosity? Curiosity. So who was burning with curiosity? So of course the answer is Alice. You will tick on Alice. Here the answer was pink eyes. Here the answer is Alice. And next is, who fell down and down and down? So next is, who fell? कौन नीचे गिरता चला गया? नीचे गिरता चला गया. Who fell down and down and down? So who fell down and down and down? And here answer is the rabbit. कौन नीचे गिरता चला गया? Rabbit, खरगोश. Now students, this is pick the one. Some are given on next page also. Who said, oh my ears and whiskers? So next is, who said, oh, who said, oh my ears and whiskers? मेरे कान और मेरे चेहरे के बाल, etc. It is there, children. More statement is there. I am writing only this. It is given in your book. So who said this? The rabbit. Here also you will tick on the option the rabbit. Now next is, the garden Alice saw. The garden Alice saw. वो गार्डन जो एलिस ने देखा. द गार्डन एलिस सॉ, वो कैसा था? सो योर आंसर इज, द गार्डन एलिस सॉ वॉज लवली, बहुत सुंदर था. सो दीज आर द करेक्ट ऑप्शंस. फर्स्ट इज द रैबिट हैड पिंक आईज, यू विल टिक. देन हु वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी, यू विल टिक ऑन एलिस. Who fell down and down and down? You will tick on the rabbit. Then who said, oh my ears and whiskers? This was said by the rabbit. Then the garden Alice saw was lovely. So you will tick on these options. Now next is, children, find one word from the story that means. So let's write section. Next we are going to do let's write section. So I'm rubbing this, children, to do the next part. Let's write. Let's write section means, chalo kuch likhte hain. So children, let's write means you have to write on your own. So let's do it. Next is, to walk fast. So let's write section, it is let's write. चलो लिखते हैं. सो ए, टू वॉक फास्ट, तेज तेज चलना. चैप्टर में कौन सा वर्ड यूज किया गया है उसके लिए? हरीड. एंड देन बी इज टू थिंक. टू थिंक, डब्ल्यू से वंडर, शी वॉज वॉन्डरिंग. सो नेक्स्ट इज हैप्पी. हैप्पी सिनोनिम है डिलाइट, खुश. हैप्पी डिलाइट. And then next is to be seen nowhere, जिसको कहीं भी देखा ना जा सके, इसका मतलब वो गायब हो गया. So disappear. Then next is at once, एकदम से. So the word in chapter used is quickly, जल्दी से. And then F is move fast. Move fast here, scamper.
The word which is used is scamper. To be inquisitive. To be inquisitive means जिसको हमेशा कुछ ना कुछ जानने की इच्छा रहे. So curious. Curious means जो हमेशा कुछ ना कुछ जानना चाहता है. ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है. So everything has reason behind it. So one who wants to know is inquisitive or curious. Now next page is give another word for the ones given below with similar meanings and make sentence. Now write the opposites of these describing words and make sentences. एक ही word दिया है, पहले आपको उसका एक similar word लिखना है जिसका अर्थ same हो, उसका वाक्य बनाना है. फिर आपको उसका opposite लिखना है और उसका वाक्य बनाना है. So students, let's do it. And for this, I am running this. Let's write section, children. So let's write next part we are going to do. So next is children, lovely. First word, this is two exercise and given on page number, this is 71. Page number 71, this exercise is given. So first word is lovely. क्या word है? Lovely. Lovely मतलब प्यारा. अब इसका सबसे पहले हम लिखेंगे synonym और उसका sentence बनाएंगे, फिर हम लिखेंगे इसका antonym. Synonym मतलब पहले similar word और फिर लिखेंगे इसका opposite. तो इसका similar word क्या है? Lovely, pretty. Lovely मतलब pretty, सुंदर. और इसका अपोजिट क्या हो गया? अगली. अगली मतलब बदसूरत. सो लेट्स मेक सेंटेंस नाउ चिल्ड्रन. सो लवली, आई सॉ अ प्रेटी फ्लावर. आई, इसका वाक्य क्या हो गया? आई सॉ अ प्रेटी फ्लावर, मैंने सुंदर फूल देखा. आई सॉ अ प्रेटी फ्लावर. नाउ नेक्स्ट इज अगली. Nothing is ugly in this world. इस दुनिया में कुछ भी अगली बदसूरत नहीं है. Nothing is ugly in this world means हर चीज कैसी है? बहुत खूबसूरत है. So nothing is ugly in this world. इस दुनिया में कुछ भी बदसूरत नहीं है. ये भी आपका एक वाक्य हो गया. Now next is children, next word talking. So next word which is given is talking. Talking मतलब बात करना. So talking. अब talking के दो words लिखते हैं. ऊपर वाला इसका synonym है, similar word, और नीचे वाला antonym मतलब opposite है. So talking का मतलब another word हो गया similar, chatting. Chatting मतलब चट बात करना, चटर चटर करना. And next is opposite. It is quiet. शांत रहना. So these are, one is synonym and other is opposite. So chatting, right? Let's make sentence. Students were, बच्चे क्या कर रहे थे क्लास में? टीचर ना हो तो students were chatting. Students बात कर रहे थे. Students were chatting. You can add in the class. Students were chatting in the class. And quiet, quiet. Sita is a quiet girl. Sita बहुत शांत लड़की है. Never talks. So Sita is a quiet girl. So next students, let's make sentence. Listening. Next word is listening. Listening मतलब सुनना. Listening. So here similar and opposite. So listening का similar word क्या है? Hearing. Hearing मतलब सुनना. Hearing. And opposite क्या हो गया listening का? Speaking. बात करना. चुप रहना उल्टा क्या हो गया? Opposite. बात करना. चलिए अब दोनों से sentence बना लेते हैं. Hearing. Hearing means everyone was listening to the story. Or I am hearing a song. यहाँ पर hearing word से आपको sentence बनाना है. तो मैं एक गाना सुन रहा हूँ. This is a sentence. And then speaking. Speaking. So you can write Rohan is
स्पीकिंग इन द क्लास, रोहन क्लास में बात कर रहा है. ओके, सो क्लास में बोल रहा है. सो टू सेंटेंसेस वी हैव मेड, एक हमने सेटिंग से बनाया है और दूसरा सेंटेंस हमने उसके अपोजिट से बनाया है. नाउ नेक्स्ट इज सी. सी का मतलब है देखना. सो स्टूडेंट्स, टू वर्ड्स आई एम राइटिंग. सबसे ऊपर वाला होगा सिमिलर और दूसरा अपोजिट. सो सी, सेम मीनिंग क्या होगा? वॉचिंग, वॉच और वॉचिंग. एंड दूसरा क्या होगा? इग्नोर. इट्स नॉट वॉचिंग, इट विल बी वॉच, क्योंकि ये आईएनजी फॉर्म नहीं है. सो सी वॉच मीन्स देखना और इग्नोर मीन्स टाल जाना. सो वॉच, सो वॉच मेक सेंटेंस. आई एम वॉच वॉचिंग. आई वॉच्ड अ, नो यू कैन राइट आई वॉच न्यूज ऑन टीवी. यू कैन राइट आई वॉच न्यूज ऑन टीवी. मैं टीवी पर न्यूज देखता हूं. इग्नोर, वी शुड, वी शुड इग्नोर, हमें इग्नोर कर देना चाहिए. किसको? गंदी बातों को. वी शुड इग्नोर, वी शुड इग्नोर, आपको क्या इग्नोर कर देना चाहिए? वी शुड इग्नोर नॉटी बॉयज. हमें नॉटी बॉयज को इग्नोर कर देना चाहिए, उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए. सो नेक्स्ट इज सेंटर. सेंटर मतलब मिडिल, बीच का भाग. सो सेंटर. नेक्स्ट इज सेंटर. सेंटर मतलब बीच का हिस्सा. सो सेंटर इज मिडिल. मिडिल मतलब बीच में. और इसका अपोजिट क्या हो गया? बॉर्डर मतलब किनारा. सो मेक सेंटेंस, यू कैन राइट सिया इज स्टैंडिंग इन द, कहां पर खड़ी है? मिडिल ऑफ द सर्कल, सर्कल के बीच में. इन द मिडिल ऑफ द, यू कैन राइट सर्कल. CIRCLE, सर्कल के बीच में सिया खड़ी है, बॉर्डर. नाउ मेक बॉर्डर इन योर पिक्चर. अपनी पिक्चर में बॉर्डर बनाओ. सो स्टूडेंट्स, हेयर वर्ड्स आर हेयर, जो आपकी बुक में दिए हैं उन शब्दों का आपको एक सिमिलर मीनिंग लिखना था, उसका वाक्य बनाना था. एक अपोजिट उल्टा शब्द लिखना था, उसका वाक्य बनाना था. तो हमने सिमिलर वर्ड लिखा है और अपोजिट लिखा है. इसी तरह से सभी शब्दों के हमने सिमिलर, और सिमिलर कहते हैं सिनोनिम्स, अपोजिट को कहते हैं एंटोनिम्स. तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों लिखे हैं और उनका वाक्य में प्रयोग किया है. सो नेक्स्ट एक्सरसाइज, यू आर गोइंग ऑन अ जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ. आप अर्थ के बीचों बीच यात्रा पर गए हैं, इमेजिन करना है. व्हाट डू यू थिंक विल यू, यू विल सी, आपको क्या लगता है आप वहां क्या देखेंगे? एंड व्हाट वुड यू फील, और आप वहां पर क्या फील करेंगे, कैसा महसूस करेंगे? सो स्टूडेंट्स, आई एम रनिंग दिस, आप यहाँ पर अपना वीडियो को पॉज कर सकते हैं. यू कैन पॉज योर वीडियो फॉर अ लिटिल व्हाइल टू कंप्लीट योर वर्क. सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू राइट नेक्स्ट आंसर चिल्ड्रन. सो स्टूडेंट्स, हाउ डू यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग? अगर आपको सब कुछ समझ में आता है सो प्लीज गिव योर व्यूज इन द कमेंट्स सेक्शन. कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार जरूर लिखिए. आपको किसी और बुक का कोई और चैप्टर पढ़ना है, आप वो भी लिखकर मुझे भेजिए. सो नेक्स्ट इज नंबर थ्री. नंबर थ्री वी आर गोइंग टू राइट,
I will see, what will you see in the middle of the earth, in the center of the earth? I will see rocks and water. आप क्या इमेजिन करेंगे, आप क्या देखेगा आपको वहां पे? I will see rocks and water. और क्या दिखता है? पानी. I will see rocks and water. और आप वहां पर कैसा फील करेंगे? What would you feel? क्या फील करोगे आप? तो आप क्या करोगे? I will be surprised. सबसे पहले तो हैरान हो जाएंगे. I will be surprised and scary. और डर भी जाओगे. So I will be surprised and scary. Anything which comes to your mind, students, you can write here. So next is Alice follows the strange rabbit because she wants to know a number of things. Alice जो है वो rabbit का पीछा करती है क्योंकि उसको बहुत सारी चीजें जाननी है. Rearrange the words to make the questions that Alice has in her mind. अब यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हैं आपको उन्हें रीअरेंज करना है और क्वेश्चन बनाना है. ये वो प्रश्न है जो एलिस के माइंड में उस वक्त रहे होंगे. सो लेट्स मेक क्वेश्चन चिल्ड्रन. व्हेन यू मेक क्वेश्चन सो यू हैव टू स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड. सो हियर एवरी सेंटेंस हैज क्वेश्चन वर्ड. सो फर्स्ट ए क्वेश्चन टॉक रैबिट आ हाउ कैन. सो क्वेश्चन वर्ड इज हाउ. We will start sentence with how. How can a rabbit talk? So A question क्या हो गया? Question A, how can a rabbit talk? एक rabbit कैसे बात कर सकता है? How can a rabbit talk? And as this is question, so put question mark at the end. Next is B. Question B, going he is where? So question word is where, कहाँ? So your question will be where is he going? Where is he going? वो कहाँ जा रहा है? And put question mark at the end. Now C question we are framing. Read he can time the. So here your question will start with can. So can he read the time? क्या वो समय को पढ़ सकता है? Can he read the time? Can he read the time? क्या वो समय को पढ़ सकता है? Question mark. Now question D. Question D. Hurry is in a why he. So here question word is why. So why he is in a hurry? Why is he in a hurry? So write question. Why is he in a hurry? चिल्ड्रन क्वेश्चन बनाने में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब हमेशा पहले आ जाता है. जैसे यहाँ पर इस पहले आ गया. Why is he in a hurry? And put question mark at the end. So we have done exercises. All the exercises of this chapter, students. Hope all of you will understand and like my video. So students, press on like button and also subscribe my channel for more videos. And also share it with your friends. So that's all for today. Have a good day. Bye bye, children.